चल बोल, कब मारने वाला था बच्ची को? जोर से बोल, सारी दुनिया को सुने आना। कल मैं चाहती थी ये 5 बजे शाम को। अच्छा, कब मारने वाला था? कल 5 बजे की अम्मा से। बीच में बात मत करो कोई। कब मारने वाला था रे? कल 5 बजे। कैसा मारने वाला था? लगा और जोर से, पूरी ताकत लगा। हाँ और जोर से, कितनी तेरी पूरी ताकत लगा, और जोर से। हाँ कैसा मारने वाला था? कैसा? दम रोक के, सुसाइड करा के, नल्टी दबा के, कलेजा फाड़ के, कैसा? क्या? अच्छा अच्छा कौन बोला था उसको मार दो? औरत बोली थी, आदमी बोला था? कहाँ की औरत? उसके बाप की रिश्तेदार है, माँ की रिश्तेदार है? झगड़ा होंगे नारा को कुत्ते के साथ। हाँ कहाँ की है वो औरत? कहाँ की? झूठ मत बोल मेरे सामने, किसका चलता नहीं नाला झूठ। झगड़ो उसको तेरी सही। हाँ चल बोल जल्दी। औरत कहाँ से इसके रिश्ते में? माँ की तरफ से, बाप की तरफ से? हाँ क्या? जोर से बोल, मुझे सुनने नहीं आ रहा। कौन है वो बंगालन? कहाँ रहती? कहाँ रहती? अच्छा, ये बच्ची का क्या लेकर गई थी उसने जादू चलाते हुए? अख्ता पकड़ो तेरे से। हाँ क्या लिए थे इसका जादू चलाते वक्त? सही बोल। हाँ बोल, क्या क्या लिए थे? कौन से कपड़े? कौन से कपड़े? झगड़ लो उसको आते से। हाँ कौन से कपड़े? हाँ कौन से कपड़े? क्या लिए थे? कौन से कलर की थी वो? कौन से कलर की? कौन से कलर की? अच्छा ली जाकर कितना टाइम होगा? जोर से। अब उससे पहले क्या लिए थे? सबसे पहले जादू चलाते हो? बोलने तो बड़ा पसंद करूंगा। हाँ जल्दी क्या लिए थे? सबसे पहले क्या लिए थे? अच्छा कितने साल पहले की बात है वो? कब की? कौन से कलर का था वो टावेल? पीले कलर का था। चोरी हुआ था? हुआ हुआ, हमारे वार्ड में ही बहुत खतरनाक है। कब तक की बात है वो? टुवाल चुरा के कितना वक्त हो रहा? बहुत साल हो गए। ये बच्ची पे जादू करके इसका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा पे कब करे थे जादू?
15 साल पहले क्या दुश्मन थी? वो जादूगरनी है। क्या दुश्मन थी? सबको खत्म कर देगा। पहले किसको? सबसे पहले किसको? सबसे पहले मेरी माँ को। अच्छा, उसके बाद सबको धीरे धीरे। गुलिस्ता की माँ को? हाँ, उसके बाद? उसके बाद उसके बाप, बहन, भाई सबको। अच्छा, उसके बहन को? सबको। उसके बहन के आंग पे कभी उन्हें दीजिए? हाँ, नहीं मालूम मेरे को। मनमाना कैसे चल रहे हो ये? क्या है ऐसी? हाँ, मुझे नहीं मालूम, छोड़ना। कब की थी बच्ची की जान? कब लेने आया था? कब? हाँ, कब? हाँ, कब लेने आया था बच्ची की जान? अच्छा, ऐसा बोला था उसने? बोली थी? क्या बोली थी? कब लो बोली थी जान? मारो उसको, छोड़ो मत, मार दे रहा उसको, झगड़ो अंदर से, इसे झगड़ो उसको और तेज से। हाँ, झगड़ो उसको और तेज, झगड़ो उसको। कितने लोगों को मारा अभी तक? कितने लोगों को मारे सबने मिलके अभी तक? तुम शैतानों ने नाला है को? हाँ, सबका खून पी जाएंगे। कहाँ से लाई थी उन्हें? शमशान से, कब्रस्तान से? कब्रस्तान से लाए। और इनके कपड़े वो सब चीजें ले जाके क्या करी? हम कब्रस्तान में डाली, शमशान में डाली। जोर से ना तभी काट दूंगा, झगड़ो उसको और तेज से, छोड़ने का उन्हें, मारो उसको, ना लाया तू खुद और तेज से, मारो उसको और तेज से। और कौन मिले आला है बच्ची के घर आने में से जादूगरनी के साथ? कौन? कोई नहीं है। सही सही, कोई भी नहीं है। क्या दुश्मनी थी उसकी इनकी? फिर सबको मार के ताकत लेती थी वो। किस लिए? उसको ताकत चाहिए, उसको सबसे बड़ी रानी बनने का है। सही सही बोल, साईं बोलने को बहुत मारने लगाता हूँ। झगड़ लो उसको और तेज से, झगड़ो उसको और तेज से। झगड़ो उसके गर्दन में से और तेज झगड़ लो, दोनों के भी गर्दनों में तेज के साथ झगड़ो, झगड़ो और तेज से, छोड़ना नहीं उनको, नाला को झगड़ लो तेज से। हाँ, लगा पूरी ताकत, जोर से। हाँ, और जोर से। मारो उनको जकड़ के और तेज से, खूब तेज के साथ जकड़ो, नाला को काट देंगे उनको, काट काट के भस्म करेंगे। हाँ, और बोल, क्या दुश्मनी थी? सही सही बयान कर। सबको मार डाल देंगे।
इनके घर से कौन मिले आला है? बच्चियों के बाप के माँ के किसके घर आने से? कौन शामिल है वो जादूगर के साथ? कोई नहीं है। साईं बोल, छोड़ दो ना नुते को, मारो उसको। कौन बुलाओ बाहर से? संजना और उसे संजना दाल तुम जकड़ के मारो तेज के साथ में। जकड़ लो उसको और तेजी से। कब मारो बोली उन्हें? सही सही बोल, फाइनल। शमशान शमशान और कितने तुम्हारे साथ में मिले आ रही पूरी टोली? कितने शैताना है, चकड़ लो उसको तेजी से। बन लो उनके सारे नाला को बन के डालो, जो भी जितने भी बदमाशों को सबको। कब अब कैसा करना? छोड़ना कि नहीं छोड़ना तुझे? छोड़ दो। कैसा छोड़िए? कितने जाना लिए अभी तक ऐसे लोगों के जाना ले रहे नाला को? पुना फिर लोगों के आंगों में बैठ के क्या क्या परेशानी डाली थी इनके घर पे लाके? क्या परेशानियां डाले थे? सबको बीमारी, सबके आंख भी खून पी जाते थे और सबकी जिंदगी बर्बाद, सबकी जिंदगी चल रहे बोल रहे नाला। इसका क्या लेकर थी? इसका क्या नाम है? सबिया का। सबिया का क्या लेकर गए थे? कुछ भी नहीं, मैं हल्दी में लगा था, बताया। कहाँ से आया था तू? से बोल सब कुछ सुने ना। कहाँ से आया था? सोमनाथपुर। कैसा क्या आ गया था तू बच्ची के अंग पे? इसने मेरे शिवजी को बुरा बोली थी तो मैंने उसे बदला लेने के लिए आ गया था। झूठ बोल रहा झूठ बोल रहा नाला सही सही बता, मैं पूरा जला दूंगा। हाँ राजा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सोमनाथपुर में लगा था इसको। कितने साल पहले की बात है? 20 साल। किसने जादू करा था बच्ची के ऊपर? किसने जादू किया था? जादू तो खुद लोग करते। कौन किया था? ये मैं खुद लगा था। कैसा क्या लगा था? तू खुद बखुद नहीं लग सकता ना। कसम से ये पत्ता है, बुरा बोली थी शिव जी को, इसने बोली थी ये पत्ता है।
मैं अब तुझे क्या पूछा, उसको जवाब दे, बाता मत बनाऊ कम वक्त कमीने, बाता बना रहा बहुत। किसने जादू की थी, इस पे क्या लेकर गए थे इसका जादू चलाते वक्त? नहीं मैं खुद लगा था, जादू तो बहुत लोग करते इन सब पर, मैं खुद लगा था इसको कसम से। पिछले जितने बरसात में मैं सोमनाथपुर में लगा था। वहाँ क्यों गई थी बच्ची? ये इसके रिश्तेदारों के साथ गई थी, तो ये लेके अंदर नहीं आई थी, बाहर रह गई थी, पुलिया पत्थर में मेरी जाती। झूठ मत बोल कमबख्त, झूठ नहीं है। जकड़ लो इसको और तेज जकड़ो इसके जरिए, हाथ में आंख लगाओ, झूठ नहीं है, सोमनाथ जलाओ उसके हाथ में आंख लगाओ। सोमनाथपुर में लगा था कसम से। बच्ची को मारने वाला था? नहीं मारने वाला नहीं था, हमेशा रहने वाला था। क्या तकलीफ आ रहा था तू उसको? बच्चे दानी खराब और खून पीना और तक बदन में तकलीफ और डिप्रेशन। पहले अब 5-6 महीने से कुछ नहीं करता था। डिप्रेशन में डाल के क्या करने वाला था तू उसको? बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश भी किया। क्या सुसाइड? अच्छा डिप्रेशन में डाल के सुसाइड करा। हाँ पहले और नहीं कुछ। अब नहीं परेशान करता मुझे, निकालना है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसने लाकर डाला था ये नहीं। और किस चीज में मिला के खिलाए थे कमबख्त? कुछ खिलाया नहीं, कुछ लाया बहुत मार मार के भस्म कर दूंगा पूरा। बाप के राजा चल रहे मनमानिया, मैं खुद ही लगाता इस। जकड़ लो इसको और तेज, दोनों को जकड़ो वरना आला है वो, और दोनों को मारो जकड़ के तेज से। जकड़ लो दोनों को तेज के साथ में जकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जलाओ उनको तेज से आग लगाने के अंदर।
وإن الجسر من بين يدوم قدر مرصد ليعلم من قد أبلغ صلوات رب واحد كل شيء بعد परेशान कर रहा था रे उसको। हाँ 20 साल। कितने?
खानदान का फोन मिले आला था सही से वो तो फिर छोड़ता हूँ। कौन था मिले आला सही सही बोलो जल्दी। बता सही से तो पूरा मार मार के बसंत करता हूँ। इसका क्या नाम है? गुलिस्ता। गुलिस्ता क्या कौन डाला था कौन कौन मिले आला है खानदान का उसके जल्दी बोल तभी पूरा जला दूंगा नहीं तो। हाँ कौन था? कौन थी? उसके उसका ने कौन ला के दिया कपड़े फिपड़े उससे कौन मिले आला था इनके खानदान का? उसके पास है। कैसा है कपड़ा कहाँ से गया उसके पास में? इनके घर का कोई मेंबर मिले आला होगा ना खानदान का बोल कौन है वो? बोल मैं तो पूरा मार मार के पसंद करूंगा जल्दी। मारो उधर उसके हाथों में आग लगाओ दोनों हाथों में आग लगाओ तेज से तोड़ दू क्या दोनों हाथ। हाँ वैसा कैसा नहीं जाती घर का कौन मिले आला था क्या पूछा मैं जवाब मैं पूरा मार मार के पसंद करूंगा। हाँ जल्दी सही सही इसके माँ पे भी बाप पे भी करे क्या भाई पे भी करे क्या जादू बच्ची के वो सब घर पे करे सब पे करे। माँ का क्या लिख गए थे? माँ का बहुत साल पहले लेके गए क्या कपड़े? हाँ और कौन सा कपड़ा क्या इसका दुपट्टा लेके गए थे बच्ची की माँ का भाई का क्या लिए थे भाई का भाई का क्या लिए थे? मारो उसको मारो उसको और मारो भाई को शर्ट लेके गए थे लड़ने के लिए छोटा था मत पूछो कौन से कलर का मारो मारो जितना बोलने में लेट करेंगे उतना मार दे रहे उसको। कौन से कलर का शर्ट? लाल कलर का बाप का क्या लिए थे बाप का? कौन सा कलर की थी वो? व्हाइट कलर की थी व्हाइट कलर की। कितना टाइम वाली जाके कौन साल हो रहे कितने साल जब से बनियान उसके बाप की कौन लगता था? मारो उसको और मारो मारो और मैं सांग बदम मारो उसको उसके हाथ तोड़ दो। उसके बाल लगा था आने जाने कर पता क्या क्या नाम था उसका? जोर से बोल मुझे सुनने नहीं आ रहा था नाम। मारो उसको और मारो क्या नाम था? रफीक नाम था उसका रफीक रफीक रफीक। और क्या लिखा था उन्होंने? बस और नहीं लेके गया था वो जो शादी हो गई वो लड़की का भी लेके गया था। उसका क्या लिए थे? उसका भी कपड़े लेके गए थे। कौन से कपड़े? शादी वाली का कौन सा ड्रेस लग गया था? छोटी थी जब लेके गए थे। कब की बात है वो? छोटी थी जब वो 10 साल की थी जब लेके गए थे। वाह रे वाह क्या दुश्मनियां थी ऐसी ये? हाँ क्या दुश्मनियां थी ये ऐसी क्या चल रही थी? पूरे फैमिली बर्बाद हो जाए पूरे फैमिली बर्बाद हो जाए a
जलाओ उसके हाथ और तेज से। क्या हुआ, इसकी ताकत कहाँ गई? सब खत्म, सब खत्म। मर जाती थी ये, कल मर जाती थी, सब खत्म, ताकत नहीं थी। क्या ये ताकत इसमें? कल मारते मनमाने चल रहे से। अच्छा, कल की मुद्दत आखिरी थी क्या उसकी? अगर कल नहीं मरती थी तो रोज तभी मौका देके मारते थे उसको। एक महीने के बाद, हफ्ते भर के बाद मर जाती थी, एक दिन मरती थी, सांस रोक के मर जाती थी। इसको कहना दर्द होता था। तुम लोग ऐसे सांस रोक रहे थे बच्चे की, वो मन माने चल रहे तुम्हारे। वारे वो मारो वो नालायकों को और जकड़ के मारो उनको तेज साथ में। जकड़ लो उनको और तेज से, चलाओ चला के मारो तेज से। काट के तुम्हारे बाहर टंगा दूं क्या? तुम रखो घर का मेंबर कौन मिले आला था, खानदान का कौन मिले आला था उनके।
पानी पानी पेटों में से आग लगाओ उनके गिलास में निकाल के बंद करा के लेके मारो उनके पेटों में से झगड़ के आग लगाओ तेज से अंदर से हाँ झगड़ लो अंदर से तेज से आग लगाओ अंदर से लाओ उसको तेज से चलाओ 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 तेज से चलाओ अगर कितनी देर ताकत पूरी चलाओ उसको तेज से मार पड़ती तुम हाँ तो बा
जबान से अल्टा के तोबा तोबा सुने आना मुझे सुने नहीं आ रहा जोर से जोर से बोलो तो दोनों हाथ तोड़ दूंगा वो जोर से सुने आना मुझे तोबा सुने नहीं आ रही तुम्हारी जोर से जोर से ठीक है चलो ये ना रहा है वो जंजीरा डाल दो और ये जितने भी शैतान होंगे इनके साथ के सबको उतार के जला के राख करने की तैयारियां करो पकड़ के सब कमबख्तों को बहुत मस्तियां चढ़े थे और दोबारा कभी हाजिर नहीं होना उनके आंग में किसके भी सामने अगर दोबारा इनको कहीं हाजिर हुए किसी के सामने उनको मार के फौरी भस्म कर दो कमबख्तों को और जितनी भी दवा उनके अंदर बटी आ रही नस नस में दिमाग में सब बिन के सब खींच के बाहर निकालने की तैयारी करो उतार के साथ में सब जला के राख कराओ इसे पहले नाम बोले थे क्या कौन डाले बोल के नहीं लेकिन बंगालम का 35 साल से मुझे शक था मेरे घर में उसके शोर ने बनाया जब बहुत जादू कर दी और पहले जो लोग इलाज करते थे वो लोग भी उसका नाम बताने बताते थे एक दर्जन बताया बहुत मौलाना से बहुत लोगों से कराया लेकिन वो ऐसा मामला होता था वो बहुत खतरनाक जात पूरा मोहल्ला परेशान है उससे पूरे सब लोग क्या दुश्मनी थी वो जादू करती उसने अपने बेटे को मार डाले उसने अपने शोहर को पागल कर डाली पूरे मोहल्ले में बर्बादी करके रख डाली कोई दुश्मनी नहीं थी उसने मेरे पे हमला करी थी 35 साल पहले मैंने एक जैसे इलाज कराया था उसको मालूम पड़ गया था जब से बहुत जिद से करती और ये जो रफीक करके हमारे सामने में आया तो मैं दिन का काम करता था तकरीर वगैरह तो उसको हसद जलन होती थी दारू गांजे में रहता था तो मेरे जिद पे दाढ़ी रख लिया नमाज पढ़ रहा अजान दे रहा कुरान पढ़ता क्या पढ़ता मालूम नहीं तो दारू पीने वाला ऐसी मर्जी इंसान है और वो बहुत मेरी दुश्मनी करता पता नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा एक बच्ची कहीं ना कहीं शादी की इसकी तलाक होगी शादी होके उसकी शादी के रिश्ते आ रहे तुझ जा रहे हो बहुत सीरियस चल रही हम सब बीमार चल रहे उसकी अम्मी को गठिया बात हो गया मेरे को पेशाब बार बार आती वो बच्चा कभी गुस्से में डिप्रेशन में आ जाता बहुत इतने रोते रोते दिन जा रहे सर हम बहुत साल से सोच रहे आपके पास आने को बहुत दूर था कुछ मजबूरियाँ थी और जो बच्ची डिलीवरी वाली है जो राजस्थान में देखी है उसका भी आने वाली है 15 महीना भर के बाद हम डर रहे कैसा लाना सर तो हमारी घर की भी पूरी बंदी करने को ना फिर से बंगाल हम पे हमला ना करे ऐसा कुछ कर दीजिए लोग आपका ऐसा हम और इबादत ज्यादा से ज्यादा करना कुरान नमाज ये बच्चे और शादी हुई तीनों बच्चे आलिमा है मैं भी लड़कियों का मदरसा चलाता था तो ये सब जादू तो टोना करके हमारे पे हमला करके हमारे फारूक भाई को फंसा दिए और मैं भी मेरे घर पे हमला कर दिए तो हमने अभी कुछ दिनों के लिए काम रोके मदरसे का बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई थी शादी की सब मामला था वो डिलीवरी वाली बच्ची का भी 9वां महीना चल रहा है उसको भी बहुत बड़ा डर है वो जब आएंगी तो ये बंगालन फिर से हमला करेगी तो वो हिसाब से हजरत आप कुछ कर दीजिए ठीक है ना इंशाल्लाह उधर करेंगे खैर इबादत की रस्सी को मजबूती से ज्यादा ज्यादा थामना और इबादत करना सूरह यासीन पढ़ो रहमान पढ़ो मुजम्मिल पढ़ो सूरह बकरा पढ़ो घर में जितना भी आता जाए
इधर कुर्सी चारों को ये सब पढ़ने से कैसे जादूगरों ने कटना चालू था उन टॉम पे जाके पढ़ता और जादूगरों को भी ताकीद है कि किसी के ऊपर करनी कोटाला नहीं करना क्योंकि तुम ऐसा करेंगे तो तुम्हारे पे पलट के जब पड़ेगा अभी मैं पलटा दूंगा तो तुम्हारे पे जाता हूँ जिसने करा उसके ऊपर और जिसने करा उसके ऊपर का फिर उसके सब बर्बाद हो जाती जिंदगी भी मर के भी जाता। वैसे भी जादू टोना करना सख्त मना है इस्लाम के अंदर और जादूगर के पास जाना भी मना है। आप हमारे जादूगर के पास जाता मम्मी से नहीं वो मम्मी से नहीं वो मम्मी से नहीं है इसलिए जाना नहीं सख्त सख्त खतई मना हो बहुत बुरी बात है वो मैं बयान भी नहीं कर सकता अल्फाज में क्या बोलूँ मेरे पास बोलने को अल्फाज नहीं ऐसी हरकतें नहीं करना। दूसरों के वास्ते खड्डा खोदेंगे तो खुद भी वो खड्डे में गिरते गर्म पानी से दूसरे का घर जलेंगे तो फिर तुम्हारा भी घर जलेगा ना फिर धूप से ज्यादा तुम्हारा घर तुम दूसरे का गर्म पानी से जला के स्वास्थ्य ये सब हरकत नहीं करना बहुत बुरी बात है। ये सब ऐसा देख देख के ये सब हरकतें दाता है बोलने को अल्फाज नहीं थे क्या बोलना था जैसे ना लाया लोगों को कितने बार समझो कई जहन में बात बैठते नहीं क्या लोगों की इतना तुम्हारे को सब प्रकार वाला आएंगे दूसरों के ऐसे नहीं करना जिंदगी खराब बर्बाद तुम करेंगे तुमको यहाँ दुनिया पानी से आदमी तो कल सबको मरना है कुल नफ्सुल ज़ायखतुल मौत हर जानदार शय मौत का मजा चखना है सातो जमीन सातो आसमान में खाली बाकी रहेगा तो अल्लाह बाकी रहेगा अल्लाह बाकी मिन कुल पानी जब अल्लाह सारे दुनिया सारे आलम पे सूर फूकने का हुक्म दे देगा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तहस नहस क़यामत तो आने वाली है बरहक है सबको मालूम है। फिर उसके बाद अल्लाह हुक्म देगा कि फरिश्तों की भी रूह खींच दो सारे फरिश्तों की भी रूह मौत का फरिश्ता खींच लेंगे और उसके बाद फिर अल्लाह मौत के फरिश्ते की रूह खींचेगा तो मौत का फरिश्ता बोलेगा हाय हाय मेरा रब अगर मुझे मालूम रहता था रूह निकालने में इतनी तकलीफ होती तो मैं ड्यूटी नहीं लेता था जबकि इतना बड़ा ताकतवर फरिश्ता है वो तो चारों इजराइल मिकाइल इजराइल इसराफील चार फरिश्ते से इनको इधर 300 इधर 300 पर सबसे छोटे पर मैं दुनिया समा सकती तो बड़े पर कालम क्या होंगे तो उतना ताकतवर फरिश्ता बोलेगा हाय रूह निकालते टाइम भी इतनी तकलीफ होती तो मुझे मालूम होता तो मैं ड्यूटी नहीं लेता था। अब पता होने एक इंसान की रूह ऐसी निकल जाएगी आटे में से बाल निकालते वैसे गुनहगार की ऐसी निकलेगी जैसा कांटों के ऊपर रेशम का कपड़ा डाल के खींच देते वैसे आलम से। तो ये सब तुमको मरना सब कुछ है मगर इसे हरकत करके नहीं मरना बहुत बुरी बात है। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना इबादत बहुत बड़ी चीज है मोमिन के लिए अल्लाह ने इबादत ढाल रखे लिए और याद रखो जैसी करनी वैसी भरनी तुम जैसा करेंगे दुनिया में वैसा भरना पड़ेगा मजाक मत समझो ये सब बातों को बहुत अजीब व गरीब दुनिया है ये बहुत अजीब व गरीब दास्तान है बहुत सारे राज है कुछ ताई में तुम सब भंगरे भांगरे है तुम्हारे शैतानों की पूजा करने वाले नालायक हो तुम्हारी औकात क्या होंगी मेरे सामने इस पर अंदाजा लगा लो तुम्हारा शैतान गिड़गिड़ाता मेरे सामने जिसकी तुम पूजा करके जिसको तुम बुला के राजा करके छोड़ते लोग गिड़गिड़ाता है नाक रगड़ता हूँ लेकिन आप भी कहीं तौबा करने लगाया तो कोई औकात कोई हैसियत नहीं है शैतान की क्योंकि अल्लाह का कलाम है अल्लाह के कलाम में सबसे बड़ी ताकत है इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो हसद जलन एक दूसरे का बुरा करना नहीं सोचना अपने से जितना अच्छा होता उतना करने की कोशिश करना बुरा करके क्या फायदा खबर में तुम्हारे आजाब तैयार कर रहे तुम अपने आप को। चलो खैर कहाँ से आए थे चंद्रपुर 400 किलोमीटर दूर है। चलो ठीक है चलो बात भी किया था चलो रोको लो पन्नी लो तुम्हारे लिखे गया सुबह शाम दो टाइम मुँह पे मारना घर में मारना सब चारों तरफ छिनाते रहना स्प्रे का पानी और ये पानी उनके बिस्लरी के लीटर ढकना लगा दो मुँह के निकाल के गिर जाता पानी इसके बाद उसमें गाड़ी ये पानी बड़ा तरना पिला तरना उसमें डाल मिला के बड़ा तरो पिला तरो उसको दम करा करा के पड़ के तुम्हारी शक्कर में शक्कर मिला के पिलाना सुबह शाम दो टाइम उसका धुआं देना। चलो अलग है।